हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में बनती है और हम बहुत शौक से खाते हैं इसको, लेकिन आज हम इसका एक हेल्दी वर्जन बनाएंगे जो आपको देगा अमेजिंग वेट लॉस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेट लॉस खिचड़ी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और आई थिंक खिचड़ी हम सबके घरों में बनती है और बहुत शौक से खाई जाती है, किसी ना किसी मील में ज़रूर बनती है। और ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी, सिंपल रेसिपी है, आप एक पॉट में पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता मील्स प्रिपेयर करने के लिए, तो एक पॉट में ही पूरी फैमिली के लिए बन जाएगी और ये आपको वेट लॉस भी देगी। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं अपनी वेट लॉस खिचड़ी किस तरीके से बनाती हूँ। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर को गैस पे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे मैं 1 स्पून देसी घी डाल रही हूँ। भाई, खिचड़ी का मज़ा तो देसी घी के साथ ही आता है। आप यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मुझे खिचड़ी के अंदर देसी घी बहुत पसंद है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, यानी कि एसाफेटिडा। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इससे टेस्ट भी हमारी खिचड़ी का बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी राई, यानी कि मस्टर्ड सीड्स। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फाइनली चॉप्ड जिंजर, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड गार्लिक, यानी कि लहसुन। अगर आप इसको नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ग्रीन चिलीज, और ग्रीन चिलीज जो है वो विटामिन सी में रिच होती हैं और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, यानी टर्मरिक पाउडर। बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ता। इससे हमारी खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम घी के अंदर, जिससे कि हमारे सारे के सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और कच्चे ना रहें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन, यानी कि प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब इसको भी हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड टमेटोज। टमेटोज जो होते हैं वो लाइकोपीन में रिच होते हैं, विटामिन सी में रिच होते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैरेट, जो कि हमारी बीटा कैरोटीन में रिच होती हैं, विटामिन ए में रिच होती हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंच बीन्स। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स घर पे हो आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स आप इसमें डालिए। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मटर, यानी कि पीस। इससे हमारी खिचड़ी होगी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दलिया, यानी कि ब्रोकन व्हीट जिसको हम बोलते हैं। 1/4 कप दलिया मैंने लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मूंग धुली दाल या येलो या पीली वाली दाल, ये भी मैंने 1/4 कप ली है। दलिया और दाल को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके और इसको 15 मिनट्स तक सोक कर दिया था मैंने, और दोनों की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1/4 कप ली है। बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को एक साथ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। पानी जो हम डालेंगे वो हम 4 टाइम्स डालेंगे, यानी कि 1/4 कप दलिया, 1/4 कप दाल ली है मैंने, दोनों मिला के 1/2 कप होते हैं, तो मैं इसमें अराउंड 2 कप्स पानी डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। दैट्स इट, बिल्कुल रेडी है ये कुकर बंद करने के लिए और अब हम अपनी खिचड़ी को कुक कर लेंगे। तो कुकर की लिड लगा लेते हैं और इसको अराउंड 3 to 4 विसल्स तक हम कुक होने देंगे। 4 विसल्स इसमें आ गई हैं, स्टीम इसकी अपने आप निकल गई है। कुकर का लिड खोल लेते हैं, देख लेते हैं कितनी ज़्यादा डिलिशियस लग रही है खिचड़ी हमारी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइज ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी आपको। और अगर हम पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं ना, तो ये तो हम बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फटाफट बन के रेडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही सुपर्ब वेट लॉस देती है हमको। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि पूरी फैमिली के लिए एक साथ बनके रेडी हो जाती है। तो इसको आप जरूर ट्राई करिए, एक तो बहुत ही ज्यादा सुपर क्विक है और आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी। इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में आप पूरा ऐसा बोल भर के ले सकते हैं।
तो गाइज ये थी हमारी वेट लॉस खिचड़ी, आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत ही क्विकली बन के रेडी हो जाती है, बहुत सिंपल है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कुकिंग के लिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। पूरी फैमिली के लिए आप एक ही पॉट में एक ही बार में बहुत क्विकली इसको बना सकते हैं और ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देगी। तो ये हमने बनाई है दलिया के साथ, यानी कि बल्गर वीट हम जिसको बोलते हैं। तो दलिया जो होता है वो बहुत हाई इन फाइबर होता है और लो इन कैलोरीज होता है। अगर हम 100 ग्राम्स दलिया की बात करें या बल्गर वीट की बात करें तो इसमें होता है 18 ग्राम्स फाइबर और होता है अराउंड 12 ग्राम्स प्रोटीन, जो कि है काफी ज्यादा हाई। अगर हम 1 कप कुक्ड दलिया की बात करें तो इसमें होते हैं सिर्फ 150 कैलोरीज, जो कि है काफ़ी कम, और क्योंकि ये लो इन कैलोरीज होता है और हाई इन फाइबर होता है तो आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देता है। इसके अंदर बहुत ही असेंशियल विटामिंस और मिनरल्स होते हैं, बी विटामिंस होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इम्यूनिटी देते हैं हमारी बॉडी को। क्योंकि ये फाइबर रिच होती है तो आपको बहुत देर तक फुल रखती है, और प्रोटीन का कंटेंट भी इसमें काफ़ी अच्छा होता है तो बहुत देर तक आपको सेशिएटेड रखती है, आपको भूख नहीं लगने देती। और क्योंकि ये फाइबर रिच है तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, और ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और क्योंकि इसमें हमने दाल का यूज़ भी किया है तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये और भी ज़्यादा प्रोटीन रिच हो गई है। तो दाल जैसे कि आप सबको मालूम है कि वो भी हाई इन प्रोटीन्स होती है, तो अगर हम 100 ग्राम्स दाल की बात करें तो उसमें होते हैं अराउंड 20 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम्स उसमें प्रोटीन्स होते हैं और अराउंड 8 ग्राम्स उसमें फाइबर होता है। तो कुल मिलाकर ये जो डिश है हमारी हाई इन फाइबर है और हाई इन प्रोटीन भी है, तो पूरा एक मील बन के रेडी हो जाता है, कंप्लीट मील है ये, और ये आपको बहुत देर तक फुल भी रखेगा, बहुत जल्दी आपको इसको खाकर भूख नहीं लगेगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। दाल जो हमारी होती है वो हाई इन आयरन होती है, तो अगर आपको हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम रहता है तो आपको इसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। दाल में भी फोलेट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये डिश आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दाल के अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं पॉलीफिनॉल्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको बीमार पड़ने से बचाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और आपके बॉडी में जो हार्मफुल सेल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स उनको निकाल के बाहर करते हैं। तो ये जो डिश है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और हमेशा हमने अपने घरों में खाई है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से नहीं बनाया होगा, तो इसको आप इस तरीके से बनाइए तो ये और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगी, वेट लॉस के लिए अच्छी हो जाएगी और हाई इन प्रोटीन हो जाएगी। तो इसको आप अपने ब्रेकफास्ट या फिर अपने लंच में ले सकते हैं, पूरा एक बोल आप इसको ले सकते हैं और ये आपको देगी बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिनको पता लगेगा कि खिचड़ी हम इस तरीके से भी बना सकते हैं जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव रेसिपीज मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, और लेकर आती हूँ बहुत सारे डाइट प्लान्स जो आपको देते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा वेट लॉस। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।